हेलो जीस, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिया मीर भाषा डैम के हवाले से, इसकी जियोग्राफिकल साइड, इसकी फाइनेंशियल जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, इसकी टेक्निकल साइड। हमने देखा कि रिसेंटली इमरान खान ने इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से अप्रूवल दे दी है और उन कंपनीज को भी ठेका मिल गया है जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इतने लंबे अरसे ताखीर का शिकार क्यों रहा, कुछ चैलेंजेस थे इसकी तामीर के हवाले से। सबसे पहला तो चैलेंज था इंडिया की ऑब्जेक्शन थी इस डैम के हवाले से, दूसरा पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, और तीसरा जो वहाँ के मकामी लोग थे उनकी रीसेटलमेंट के जो इश्यूज़ थे। तो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या पाकिस्तान ने ये सारे चैलेंजेस इनको ओवरकम कर लिए या अभी भी कुछ हर्डल्स हमारे रास्ते में रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के हवाले से। डैम साइट शाराए कराकरम पर दरियाए सिंध के ऊपर सूबा केपी के और गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री पर वाक़ है। केपी के की साइड से डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की साइड से इसको डिस्ट्रिक्ट दिया मीर लगता है, और ये चिलास से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा कि जिस एरिया में इस डैम की कंस्ट्रक्शन होनी है, ये काफ़ी अरसे तक ये एरिया एक अनरेस्ट का शिकार रहा है। लोकल लोगों के दरमियान भी एक टसल थी, फिर दहशतगर्दों की भी कुछ कार्रवाइयाँ हमने देखी, और हमने देखा कि ये कराकरम हाईवे का जो ये पार्ट था इसमें जब जो लोकल बसें और जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती थी उसको बड़े अरसे तक आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती रही है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब अगर पंजाब और केपीके से जो लोग गिलगित बल्तिस्तान सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये एक ऑल्टरनेट रूट है। मानसेरा से ये कनेक्ट करता है, और एक तो आपको पहले ही पता है कि एक रूट तो कगान से कनेक्ट करता है गिलगित बल्तिस्तान को, और दूसरा रास्ता आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा बहुत पड़ता है। दरियाए सिंध पर ये जो लोकेशन है स्पेशली एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत मौजू है किसी भी डैम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जॉइंट वेंचर के साथ 442 बिलियन रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये जॉइंट वेंचर चाइनीज स्टेट ओन्ड फर्म चाइना पावर और पाकिस्तान की FWO पर मुश्तमिल है। चाइनीज़ फर्म चाइना पावर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 70% होल्ड करती है, जबकि पाकिस्तान की FWO इसकी 30% तक शेयर होल्डर है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये जॉइंट वेंचर एक डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम की तामीर, एक एक्सेस ब्रिज और 21 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए भी कुछ कंपनीज को ठेके दिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की भी कंपनीज शामिल हैं और कुछ ग्लोबल कंपनीज शामिल हैं। 12 कंपनीज के साथ 27 अरब रुपए के मुआहदे किए गए हैं कंसल्टेंसी की मद में। कुछ टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो इस डैम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 8.1 मिलियन एकड़ फीट है, और यूजेबल वाटर यानी कि जो लाइव वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो 6.4 मिलियन एकड़ फीट होगी। इस डैम की हाइट 272 मीटर होगी, जो इसको दुनिया का टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम बनाएगा। इसके 14 दरवाजे होंगे, एक स्पिलवे, और 5 जगहों से इसकी सिल्ट को निकाला जा सकेगा। इसके डाइवर्जन सिस्टम में 2 टनल्स होंगी और 1 केनाल। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 4500 मेगावाट तक होगी, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमने मोमन डैम के हवाले से वीडियो बनाई थी और उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट तक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये 5 गुना से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है मोमन डैम से। तो इंशाल्लाह जब ये डैम तामीर होगा दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक होगा। दिया मीर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये 4500 मेगावाट की हमें बिजली प्रोवाइड करेगा, बल्कि पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इस वक्त हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 30 दिन की है, ये इसको इंक्रीज़ करके 48 दिन तक ले जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो दूसरे बड़े डैम्स हैं जैसे कि तरबेला और मंगला, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो ओवरऑल उनकी लाइफ है वो भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी। एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी इसकी तामीर के साथ ही, और 16,000 नौकरियां पैदा होंगी, और इसके साथ ही इस डैम से 12 लाख एकड़ की अराजी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ना सिर्फ ये हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारी जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा, बल्कि हमारी जो
ज़मीनें हैं उनको भी ये सराब करने के काम आएगा। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस डैम की तामीर के साथ जो पाकिस्तान को होगा, इस एरिया में हर साल बारिशों और सैलाबों की वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता था, उसको हम स्टोर कर लेंगे इस डैम की वजह से। और इसके साथ ही पूरे दरियाए सिंध में जो ओवरऑल सैलाबों की फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। दिया मीर भाषा डैम की जो ओवरऑल फाइनेंसिंग है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के सामने, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे तक हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहली इस हवाले से मुश्किल ये थी कि लोकल्स को कन्विंस किया जाए कि वो अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें छोड़कर कहीं और रीसेटल हो जाएं हुकूमत की मदद के साथ, तो वो अपनी ज़मीनें इतनी आसानी से छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। उनको कंपनसेट किया गया कुछ पॉलिटिकल नुमाइंदे और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, KPK की हुकूमत, तो ये बड़े काफ़ी अरसा इसमें लग गया उनको कन्विंस करने में और उनको कंपनसेट करने में और उनकी रीसेटलमेंट करने में। तो इस हवाले से आज की डेट तक 170 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं इनकी नई कॉलोनीज़ बनाने पर, इनको रीसेटल करने के हवाले से। और कुछ खबरें ये भी हैं कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी है। इस डैम का जो ओवरऑल बजट है वो है तकरीबन 1500 अरब रुपया। और आपको याद होगा कि 2018 में जब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक कैंपेन शुरू की थी, तो लोगों ने शुरू में तो काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आज की तारीख तक अगर हम देखें तो टोटल सिर्फ 13 से 14 अरब रुपए इकट्ठे हुए, जबकि इस डैम के लिए चाहिए कितने थे 1500 अरब। यानी कि ये जो रकम इकट्ठी हुई 13-14 अरब, ये कुछ भी नहीं है इस हवाले से। जब वापडा के चेयरमैन से पूछा गया कि आप इसी रकम से स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हकूमत एक प्रॉपर हमें रकम देगी, हम उससे इसकी सारी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करेंगे। अभी तो ये जो 13-14 अरब रुपये हैं इसको अभी हम बाद में सोचेंगे कि कहाँ पर इसको स्पेंड करना है। दूसरा, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इशू ये था कि ग्लोबल लैंडर्स की जानिब से पाकिस्तान को कोई एड, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही थी। हमने देखा है कि पास्ट में जितने भी बड़े डैम बने हैं पाकिस्तान में, उसमें हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल लैंडर्स वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि ये क्यों गिलगित बल्तिस्तान पर ये डैम बना रहे हैं। इस वजह से जो ग्लोबल लैंडर्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। इंडिया की लॉबी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इंडिया ने हमेशा इस पर ऑब्जेक्शन लगाए, तो पाकिस्तान दिया मीर भाषा डैम के लिए जो भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस थी, ग्लोबल असिस्टेंस, वो हासिल करने में नाकाम रहा। तो अब फाइनली पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम अब अपनी मदद आपके तहत ही इस डैम को बनाएंगे। तो ऑब्वियसली 1500 अरब रुपया तकरीबन 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इसका ओवरऑल तखमीना है, तो पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी के तहत इसको बनाने का फैसला किया दो फेजेस में। पहले फेज़ में पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम डैम का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, यानी जो पावर जनरेशन के अलावा जो सारा काम है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो हुकूमत ने फैसला किया कि खुद हुकूमत पाकिस्तान करेगी, हमारे टैक्स पेयर के मनी से वो पैसा जाया करेगा। तो इस हवाले से 650 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान इरादा रखती है कि अगले 7 से 8 सालों में मुहैया करेगी इस डैम की तामीर के लिए। और वापडा के चेयरमैन का ये कहना है कि हर महीने हुकूमत पाकिस्तान को 40 से 50 अरब रुपये साइड पर करने पड़ेंगे इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहले फेज़ में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसका स्ट्रक्चर बनाना और बेसिक सारी चीज़ें, और दूसरा फेज़ होगा पावर जनरेशन का। उसके लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि IPP मोड के तहत एंटर हुआ जाए, उसके थ्रू पावर जनरेट की जाए। IPP यानी कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको दावत दी जाएगी, उनको ठेके दिए जाएंगे, और उस मॉडल के तहत हम जो दूसरा फेज़ है उस पर काम करेंगे, जिसकी लागत तकरीबन उसकी भी 600 से 700 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है। अब मज़े की बात यह कि इस डैम की तामीर के हवाले से कई बार संगे बुनियाद रखा गया, कई वज़ीर आज़मों ने, कई सदर सदूर ने इसका इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ने 98 में जाके इसका संगे बुनियाद रखा, फिर मुशरफ ने 2006 में इसका संगे बुनियाद रखा, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा 2010-11 में, और अब फाइनली इमरान खान की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इसकी तामीर को शुरू करवाया जाए। बड़ा एक लंबा अरसा लगा, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताया कि इंडिया की ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा थी, दूसरा फाइनेंसिंग का इशू था, और तीसरा लोकल्स की रीसेटलमेंट का इशू। ये इश्यूज अब
बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने इनको हल कर लिया है, लेकिन अभी हमने देखना है कि जो सेकंड फेज़ है पाकिस्तान उसको किस तरह लेकर चलता है। और ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे एक कॉन्टीन्यूस इंडियन ऑब्जेक्शन भी रहेगी, इंडिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से उनके एतराज़ात उठते रहेंगे, वो हो सकता है आपके ख़िलाफ़ आलमी अदालत में भी जाएँ, लेकिन अब ये पाकिस्तान का काम है कि इसकी तामीर को किस तरह कम्प्लीट करता है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिया मीर भाषा डैम ना सिर्फ पाकिस्तान को एक क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारी वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएगा, एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी और हमारे जो बाकी बड़े डैम्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी और लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल फ़वाद हैं इस डैम के पाकिस्तान के लिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हर साल ज़ाया हो जाता था और सैलाब की मद में बह जाया करता था। तो बड़ा एक ज़बरदस्त एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम सब पाकिस्तानी पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि 2018 में भी हमने एक कैंपेन चलाई थी कंजर्व वाटर और बिल्ड डैम्स के नाम से, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रही और 2018 से ही हम पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको उठा रहे हैं। 2019 में भी हमने मोहम्मद डैम के हवाले से वीडियो बनाई जिसमें सारे जो चैलेंजेस थे उनका हमने जिक्र किया, और एक बार फिर मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि हम सबको बहुत एहतियात से पानी इस्तेमाल करना चाहिए। आप दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं आप ये समझ लें कि पानी एक नेमत है, और इस वक्त ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमें बहुत एहसास करना होगा इस पानी का। बहुत हम सबको पता है कि एक रिसर्च भी आ चुकी है पाकिस्तान के हवाले से कि 2025 में अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स ना लिए तो पाकिस्तान में वाटर स्केयरसिटी का ख़तरा है, तो उस थ्रेट से भी हमने बचना है। हमने साउथ अफ्रीका की भी एग्जाम्पल देखी, केप टाउन की, जहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लोग लाइनों में लग के पानी लेते हैं, तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसी कैफियत आए। कराची में हम ऑलरेडी इसकी कुछ झलकियाँ देख रहे हैं, तो इसी वजह से वाटर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करना था, और दिया मीर भाषा डैम की जो कंस्ट्रक्शन है उस हवाले से एक बहुत अहम संगे मील है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में 2028 तक पाकिस्तान इस डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।